दिल्ली में स्पा सेंटरों में चल रहे सेक्स रैक पकड़े जाने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भाजपा पर बरसी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली महिला आयोग स्पा रूपी सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर रहा है। हम बहुत सारे स्पा में गए हैं और हमने जिन जिन स्पा में गए वहां पाया कि बहुत धड़ल्ले से सेक्स रैकेट चल रहा है। नंगे आदमी हमें बंद कमरे में लड़कियों के साथ मिले। हमने देखा कि किस तरीके से वहां पे कॉन्डम्स हैं। स्कूल की छात्राएं भी वहां पे हमें मिली और स्कूल के छात्र भी हमें वहां पे मिले। हमने काफ़ी सारी FIR दर्ज कराई और ये FIR भी बहुत ज़्यादा दिल्ली महिला आयोग ने जब प्रेशर करा तब जाके ये FIR दर्ज हुई है दिल्ली में। इतना हमने एक्शन करा, MCD के ऑफिसर्स को और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को हमने समन करा और उनकी जवाबदेही तय करी। उन्होंने ये माना कि बंद कमरों में जो लड़कियों द्वारा लड़कों की मसाज कराई जा रही है, कोई ID प्रूफ लड़कों का नहीं लिया जाता, CCTV कैमरा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पाए जा रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने उन्हें समय दिया था। इतने में हमें पता चला कि साउथ MCD की जो मेयर हैं उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने एडवाइजरी इशू करवाई साउथ MCD में कि अब क्रॉस जेंडर स्पा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि लड़कों की मसाज लड़कों द्वारा होगी और लड़कियों की मसाज लड़कियों द्वारा होगी। उन्होंने कहा कि मसाज होने से पहले ID प्रूफ कलेक्ट करा जाएगा, CCTV कैमरा लगवा दिए जाएंगे, बालिग लोग ही यहाँ पे आ पाएंगे और भी उन्होंने कुछ एडवाइजरी इशू करी जो कि एक अच्छा कदम था। पहली बात तो सिर्फ साउथ MCD ने करी, नॉर्थ MCD और ईस्ट MCD सो रही है क्या? दूसरी बात, अभी ये हुआ ही था कि आज मीडिया के द्वारा हमें पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ी खबर आई है कि अब साउथ MCD ये एडवाइजरी नहीं इशू कर रही। साउथ MCD ने इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक यू टर्न लिया है और खबर में ये साफ बताया जा रहा है कि दिल्ली की भाजपा की टॉप लीडरशिप का कॉल साउथ MCD के मेयर को गया है कि नहीं ये मत करो, इसको बंद करो, क्योंकि जो दिल्ली की जो भाजपा की टॉप लीडरशिप है वो स्पा के ऊपर एक्शन से बहुत परेशान हो रही है। तो मैं दिल्ली की भाजपा की टॉप लीडरशिप से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि ये बताया जाए कि दिल्ली की भाजपा की टॉप लीडरशिप का कौन सा नेता है जिसको स्पा के ऊपर एक्शन में बड़ी खलबली मची हुई है, बड़ा उसको परेशानी हो रही है, उस नेता का नाम देश के सामने रखा जाए। दूसरी बात मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ, हमें ये बताया गया है, काफ़ी अफसरों ने हमें बताया है कि पूरी दिल्ली के जो स्पा रैकेट है वो 10-12 लोग मिलकर चला रहे हैं, तो इन 10-12 लोगों में से कितने लोग भाजपा के नेता हैं ये बताया जाए। साथ में ये भी बताया जाए कि जितने भी स्पा चल रहे हैं दिल्ली में इनमें कितने भाजपा के नेता हैं जिनके स्पा चल रहे हैं, क्योंकि जब स्पा बंद हो रहे हैं तो इससे इनको क्या खलबली मच रही है। तो ये सवाल बिल्कुल लाजमी है। तीसरा, ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस और MCD के जो लोकल अफसर हैं उनकी मिली भगत के बिना इतना बड़ा सेक्स रैकेट स्पा रूपी पूरी दिल्ली में चले, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पैसा इकट्ठा करते हैं, ये हफ्ता लेते हैं, ये तो पता है, लेकिन क्या ये हफ्ता दिल्ली की भाजपा की लीडरशिप के पास भी जा रहा है? क्या ये हफ्ता दिल्ली के भाजपा के पार्टी फंड में भी जा रहा है? ये बात भी ये क्लियर करें, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि अगर स्पा रूपी सेक्स रैकेट के ऊपर एक्शन होता है तो दिल्ली की भाजपा को इतनी खलबली क्यों मचती है। चौथा, वो ये कहते हैं कि टूरिज्म खराब हो जाएगा। अरे, सेक्स का टूरिज्म से क्या लेना देना, सेक्स इंडस्ट्री का टूरिज्म से क्या लेना देना है, वो ये समझाए तो सही। यूरोप में भी मसाज होती है, तुर्की में भी मसाज होती है, पर वहां पे जो मसाज होती है वो लड़के लड़के की करते हैं, लड़की लड़की की मसाज करती है, तो ये बैंकॉक दिल्ली को क्यों बना रहे हैं? क्यों एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं कि सेक्स इंडस्ट्री प्रमोट करो और उससे टूरिज्म प्रमोट करें? अरे, दिल्ली को साफ करो, दिल्ली को अच्छा बनाओ, दिल्ली को सुरक्षित करो, उससे टूरिज्म प्रमोट होगा। ये दिल्ली में छोटी बच्चियों लड़कियों द्वारा जिस्म फरोशी का धंधा कराना, इसको टूरिज्म कहते हो? ये बहुत ही गलत है और ये बंद होना चाहिए और ये इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल बेकार है और इन्हें इसके ऊपर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। एक बात और सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि कुछ स्पा के बड़े ओनर ने कॉल करिए टॉप BJP लीडरशिप और उनको बोला है कि वो बड़े नाराज हैं टॉप BJP लीडरशिप से और इसलिए टॉप BJP दिल्ली की लीडरशिप बड़ी नाराज है साउथ MCD की मेयर से।
तो ये कौन से टॉप बीजेपी लीडरशिप है जिनका इतना बड़ी साठगांठ है स्पा के साथ? स्पा ओनर कौन से बड़े स्पा ओनर है जो इनको इस तरीके से कॉल कर रहे हैं? एक तो ये बात सामने आनी चाहिए। दूसरी बात, क्या ये भी स्पा ये जानते हैं क्या, जो टॉप बीजेपी लीडरशिप है जो ये परेशान हो रही है, क्या ये भी स्पा में जाते हैं और कल कोई धमकी आई है इनको स्पा ओनर से कि हो सकता है कि अगर ये एक्शन कराएंगे स्पा के ऊपर तो कहीं इन्हीं की वीडियो लीक ना हो जाए? तो इसका भी स्पष्टीकरण होना जरूरी है, क्योंकि पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से चिन्मयानंद, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार में, भाजपा के लीडर हैं, उनकी नग्न अवस्था में पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से नग्न अवस्था में वो अपनी पोती की उम्र की लड़कियों से मसाज कर रहे हैं। क्या इनके हिसाब से वो सही है? क्या ये बिल्कुल ठीक है? तभी जो टॉप बीजेपी की दिल्ली की लीडरशिप है वो इतनी परेशान हो रही है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली महिला आयोग इसको किसी भी तरीके से अलाउ नहीं करेगा। जब तक मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, दिल्ली में छोटी बच्चियों और महिलाओं की जिस्म फरोशी का धंधा नहीं चलने देंगे। इसको तो हर हाल में बंद करा के रहेंगे। साथ ही मैं चेतावनी देना चाहती हूँ ऐसे सारे लोगों को जो कि जिस्म फरोशी के धंधों में इन्वॉल्व है या उन्हें किसी भी तरीके से सपोर्ट करते हैं। दिल्ली महिला आयोग इसके पूरी तरीके से खिलाफ है, और चाहे कुछ भी हो जाए, दिल्ली को ना तो हम बैंकॉक बनने देंगे, और जो लोग दिल्ली को बैंकॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे। स्वाति, एक सवाल था, आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के टॉप लीडर, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली और आप किस बेस पे ये आरोप लगा रहे हैं? दिल्ली की बीजेपी की टॉप लीडरशिप के पास कॉल आए हैं स्पा के, और उन्होंने साउथ एमसीडी की मेयर को कॉल करके बोला है कि इसके ऊपर स्पा रूपी सेक्स रैकेट पे जो आप एडवाइजरी इश्यू कर रहे हो ये मत करो, इसके ऊपर कोई एक्शन ना करो। ऐसा अखबार में आज फ्रंट पेज पे छपा है, बहुत बड़े लीडिंग अखबार में। इसके बेसिस